श्रीला प्रभुपाद हवाई में 27 मार्च 1969 में कह रहे हैं लेक्चर में, और रोज़ आई थिंक रामनवमी है, तो उस 1969 में प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि हम भगवान राम की लीलाओं को सुनते हैं तो इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, यदि हम भगवान राम की लीलाओं को सुनते हैं तो हम भगवान कृष्ण की लीला को सुनते हैं, ठीक है, और भगवान की कृष्ण लीला या राम लीला दोनों तो तत्व दृष्टि से थे, दोनों ही विष्णु तत्व दृष्टि, मतलब दोनों की दृष्टि दोनों ही विष्णु तत्व हैं, और रस दृष्टि से क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, तो दोनों में डिफरेंस है वो रस की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि हमें पता है कि दोनों ही विष्णु तत्व है, और हमें और हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या है, जीव तत्व, हम जीव तत्व, और जीव तत्व अगर विष्णु तत्व से क्या संबंध है, उनकी सेवा करना, तो यदि हम भगवान राम की लीलाओं को सुनते हैं तो इसका अर्थ है कि हम भगवान राम का संग कर रहे हैं, हम उनके रूप नाम लीलाओं और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर वे पूर्ण है, इसलिए चाहे आप राम के पवित्र नाम का कीर्तन करें अथवा उनके विग्रहों के दर्शन करें या उनकी दिव्य लीलाओं की चर्चा करें, हर प्रकार से आप परम भगवान का ही संग कर रहे हैं, तो वो ये कि रस दृष्टि से ये सब अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, जो वैसे भगवान का नाम रूप लीला और ये सब अलग अलग एक्टिविटीज क्यों हैं, हम सिर्फ भगवान का नाम ही ले सकते थे, या मेरा डिस्कशन हो रहा था कि आई थिंक कल ये डिस्कशन हो रहा था कि जो योगी और जो ज्ञानी होते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमें भी आनंद की अनुभूति हो रही है, वो भी कहते हैं कि हमें भी, वो कहते हैं कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे, तो कह रहे हैं कि ठीक है आप भगवान के विग्रह में आनंद दे रहे हैं तो हम भगवान के ब्रह्म के रूप को में आनंद दे रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान का रूप आएगा, ये आनंद तो दोनों में आ रहे हैं, तो उनका ये प्रश्न था, तो ये वैरायटी है ही क्यों, मतलब हम यही कहते हैं ना कि भगवान का श्याम सुंदर रूप सबसे ऊपर है, जब हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं वो कहते हैं कि हम भी ठीक है, लोग मेडिटेशन करते हैं आंखें बंद करते हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है, वो भी आनंद, उनको भी आनंद मिल रहा है हमें भी आनंद मिल रहा है, डिफरेंस क्या है, भगवान के दर्शन करने से भगवान को भी आनंद मिलता है, वो आनंद लेना चाहते हैं, हाँ हाँ एक तो ये कि आधार उनका क्या है, एक आंसर तो बिल्कुल सही है कि वो कह रहे हैं कि हमें आनंद मिल रहा है, आनंद देने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आनंद देने के लिए, हाँ अपना आनंद छोड़ना पड़ सकता है, हो सकता है आनंद छोड़ना ना भी पड़े तो आपको बेसिकली सेवा करनी होगी, है ना, तो उनकी उनकी प्रक्रिया में वो कोई चीज ग्रहण कर रहे हैं, आंखें बंद करके वो रस का अनुभव, हो सकता है कुछ हद तक वो रस का अनुभव करते भी हैं, पर सेवा का एटीट्यूड नहीं है वहां, है ना, वहां देने का कंसेप्ट नहीं है, वहां लेने का कंसेप्ट है, और एक और पॉइंट है कि भगवान के नाम रूप गुण और लीलाएं तो हम फिर भी भगवान के श्याम सुंदर रूप को ही ऊपर रखेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर वैरायटी नहीं, वहां पर वो सब चीजें पूरे संसार को शून्य कर देना चाहते हैं, और पूरे संसार में कह रहे हैं कि अल्टीमेटली सब कि भगवान का निर्विकार रूप ही सुप्रीम है, और तो अपने में वो मतलब इस संसार को समेट देना चाहते हैं, पर वास्तव में एक भक्त की दृष्टि क्या होती है, अनासक्त से विषयान, कि जो इस संसार में जो विषैली वस्तुएं भी हैं, अनासक्त से विषयान यथा आरंभ उपयुंजता, कि इस संसार में आपको जो भी चीज मिले वो चीज हम भगवान की सेवा में लगा,
तो अगर हम भी भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा निराकार रूप है और मेरा साकार रूप है, तो हम भी डिनाई नहीं करते कि भगवान का निराकार रूप नहीं है, पर हम ये कहते हैं कि भगवान को मैक्सिमम आनंद साकार रूप है, और इसलिए भगवान का साकार रूप, क्योंकि भगवान को सभी रसों की दृष्टि से हम आनंद लेना चाहते हैं ना। भगवान के रूप में भी आनंद है, भगवान के नाम में भी एक रस है, भगवान की लीलाओं में रस है, तो वो तो उनके लिए इसलिए वृंदावन हाईएस्ट नहीं है। उनके लिए भगवान उनका जो भगवान का जो भक्तों से जो डीलिंग्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके लिए क्या आनंद है, उनके लिए जो उनका जो उनका जो आनंद है वो टॉप मोस्ट है। तो भक्ति की दृष्टि से नहीं होता, भक्ति की दृष्टि से इसलिए कि हम भगवान के नाम के माध्यम से, रूप के माध्यम से और लीलाओं के माध्यम से हम भगवान का गुणगान करते रहते हैं। तो और तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं कि बल्कि जिस प्रकार भगवान राम का भगवान राम का अवतार है और अलग अलग अवतार हुए हैं, भगवान का नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, तो ये सारे अवतार भी अलग अलग लीलाएं करते हैं और अलग अलग लीलाओं के माध्यम से। तो ऐसा नहीं है कि उस समय वो अवतार हुए थे और अब नहीं। भगवान का जब कोई अवतार आता है तो वो परमानेंट रहते हैं, वो परमानेंट रहते हैं, और बल्कि किसी न किसी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं वो लीला चल रही होती है। तो भगवान के अवतार ऐसे मतलब ऐसा हम सोच सकते हैं वो अब कहाँ है, उस समय तो आए थे त्रेता भगवान, त्रेता युग में आए थे तो अभी कहाँ है, तो अभी भी वो अवतार कहीं ना कहीं किसी न किसी युग में रहते हैं। और इस तरह रहता हूँ भगवान के केवल यही अवतार नहीं हुए, जो हम दश अवतार की बात करते हैं वो दश प्रमुख अवतार, भगवान के कितने अवतार हुए, 24 30 हुए, 24 हुए, 24 24 में होना है, मेरे ख्याल 24 में होना है। कोई और आंसर है? अनन्य अवतार, भगवान के अनन्य अवतार, पर ये सबसे प्रमुख अवतार है। तो एक्चुअली भगवान ने आई थिंक बिल्ली के रूप में भी प्रभु जी बता रहे थे, नरसिंह जब नरसिंह उसमें वाला लेक्चर था नरसिंह देव का, उसमें बता रहे थे भगवान ने बिल्ली के रूप में भी अवतार लिया, भगवान अलग अलग पशुओं के रूप में भी अवतार लेते हैं, पर वो अवतार अभी हमें अलग अलग पुराणों में वो हमें पूरा रिवील्ड नहीं है। और ये अवतार उस तरह है, कितने अवतार हुए हैं, असंख्य, जितने कि एक नदी में या समुद्र में जितनी लहरें होती हैं वो लहरों को हम काउंट कर सकते हैं, उतने अवतार। इसलिए यहाँ पर आ रहा है कि राम आदि मूर्ति ब्रह्म संहिता में आ रहा है ना, राम आदि मूर्तिषु कदा निमेन तिष्ठन्, कि राम आदि वहां पर आ रहा है कि राम आदि मतलब अनेक अवतार, उनमें से एक अवतार, पर इन सब के हम जो ओरिजिनल सर्व कारण कारणम कौन है, कृष्णस्तु भगवान। बस ये हम भगवान के आविर्भाव तिरुभाव तिथियों का क्या करते हैं, भगवान के आविर्भाव और तिरुभाव तिथियों से हमें क्या मतलब है, हम उनको कैसे यूज करते हैं। प्रभुपाद लिखे हम भगवान के आविर्भाव और तिरुभाव तिथियों का लाभ उठाते हैं, और वो लाभ क्या है, जानने के बाद, जानने के बारे में सीखने, हाँ, उनके बारे में जानते हैं और इंप्रेस कुछ उनकी चीजें ग्रहण करने के बारे में ग्रहण करते हैं, सेवा उनसे प्रेम लगा, हाँ, उनको एक्चुअली इन तिथियों के माध्यम से, जैसे कल रामानुजाचार्य जी का भी आविर्भाव दिवस आपने निश्चय था, उनकी इन तिथियों के माध्यम से हमको ग्लोरीफाई, हम सीखते भी हैं, उनके बारे में पढ़ते भी हैं, डिस्कस भी करते हैं, और ये एक अवसर है उनको ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे बच्चे का बर्थडे नहीं होता तो बर्थडे के दिन क्या करेंगे, क्या करेंगे, केक बेलून, हाँ, बच्चे को खुश करने का मैक्सिमम आप एफर्ट लगाओ। वैसे तो चलो बच्चा मतलब बच्चे के बारे में हम सोच ही रहे, पर जिस दिन उसका जन्मदिन होता है उस दिन विशेष रूप से उसकी पसंद की चीजें बनाएंगे। इसी तरीके से जब भगवान का आविर्भाव दिवस होता है तो फिर हमें पता है कि उस दिन उनके लिए विशेष उनकी सेवा हम करें, और भगवान की सेवा तो सेवा के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, तो भगवान को प्रसन्न करना या भगवान की सेवा करना तो क्या करना चाहिए, छप्पन भोग, ऐसे विषय छप्पन भोग पहले सब करते हैं, पर वास्तव में भगवान को अगर प्रसन्न करना हो तो भगवान की शिक्षाओं
भागवतम से एक दृष्टि में ऊपर है, क्योंकि भगवद गीता में ऐसी क्या चीज है कि हम भागवतम से ऊपर कह सकते हैं? भागवतम तो पिबतम रस आदि कि रस हम आस्वादन कर, पर भगवत गीता क्या है? भगवान की वाणी, वाणी तो वाणी से क्या करता है? भगवान की वाणी से क्या करता है? भगवान की इच्छा। हाँ, भगवान की इच्छा है। तो एक्चुअली भगवद गीता में एक चीज है, अगर हमें भगवद गीता समझनी है, एक एक चीज आप सारे श्लोक में लगा सकते हैं, और वो है कि भगवद गीता में भगवान ठीक है हमारा भला चाहता है। हाँ ठीक है, हमारा भला चाहता है, और क्या है? इस श्लोक एक चीज है जो कि सारे श्लोकों का आधार होगा, तब वास्तव में भगवान की सेवा संभव है। शरणागति ठीक है, वो तो है शरणागति, और डरो मत ठीक है, सब पापों को सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अभी सेवक की दृष्टि नहीं आई है सब, इन सब शरणागति ठीक है, पर वो सेवा शरणागति हम सरेंडर कर गए, पर सरेंडर करके करना क्या है? मनोबल की धारणाओं को छोड़ना है ठीक है, भगवान की इच्छा में भी लगन से, जहाँ पर एक चीज भगवान कर रहे हैं कह रहे हैं, हाँ तो धर्म छोड़ना जो कह रहे हैं भगवान, वो क्या है? एक शब्द वो क्या है? वो तो लिखा ही हुआ है, आसक्ति छोड़ना। हाँ आसक्ति छोड़ना ठीक है। एक्चुअली भगवान सारे श्लोक में एक ही पॉइंट, अगर हम एक पॉइंट अगर हम ध्यान रखें तो भगवत गीता में भगवान डिमांड, ये डिमांड है, भगवान की इच्छा समझना होगी, आंसर सही है, बट उसको हम सेवक की दृष्टि से देखेंगे तो पता चलेगा कि भगवान डिमांड कर रहे हैं हमसे, ये सिंपल भगवान हमें ऑप्शन नहीं दे रहे, इसलिए ये जो है ना, तो ये डिमांड है, भगवान कह ही रहे हैं कि तुम्हें ये करना ही है, और इसलिए हम कहते हैं कि तो भगवान डिमांड क्या कर रहे हैं आप? मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ, तो उसका मतलब क्या है? जी, अपने जीवन में क्या है? क्या बात मानो ठीक है, तो बात क्या माननी है? अपनी गीता के जिसमें जो भगवान ने बोला वो आचरण में लाके, आचरण में क्या लाना है? उसका आचरण में लाना सही है, क्या लाना है आचरण में? जो दीनता, तो दीनता से क्या होगा? दास भाव, तो वही तो हमें एक दास को करना क्या है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जो स्वामी चाहता है तो स्वामी क्या चाहता है? वो तो हमारे बारे में बात होगी, सर्व पापों में मेरे पास आ जाओ, संसार तुम्हारे लिए नहीं है, वो चाहते हैं। हाँ तो उसका प्रोसेस क्या है भगवान, हम या दूसरे शब्द हम भगवान के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? हम तो सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी भगवान हमें अपने पास क्यों नहीं बुला रहे? अपनी इच्छाओं के कारण चाहिए, क्योंकि हमारी प्रॉपर अभी ट्रेनिंग नहीं है, तो वो ट्रेनिंग में कमी क्या? अभी हम खुद जानना नहीं चाहते, या दूसरे शब्दों में, हाँ दूसरे शब्दों में कि कनिष्ठ भक्त और उत्तम भक्त में क्या डिफरेंस है? हम भगवान की सेवा कर रहे नहीं कर रहे, कर ही रहे, पर कनिष्ठ भक्त की परिभाषा क्या है? अपनी मर्जी से करते हैं, या फिर सर्व भगवान को ही मानते हैं। हाँ, अर्चयामेव हरे, कि वो केवल हरि की अर्चना करता है, तो हम मंदिर में आकर भगवान का गुणगान तो करते हैं, पर उत्तम भक्त क्या करता है? हाँ, तो उत्तम भक्त भक्तों का गुणगान, वही कल हम भी डिस्कस कर रहे थे ना कि रामानुजाचार्य ने अपने जीवन से एक्चुअली उन्होंने अपने जीवन से कैसे भक्तों का गुणगान किया? भक्तों का गुणगान करने का मतलब क्या है? उनकी बात मानना। हाँ ठीक है, एक आंसर तो यही है कि उनकी बात मानना, और क्या कर सकते हैं? परोपकार की भावना, जो कल उनको जो मंत्र मिला था उन्होंने खुद को अपराध लेके भी, हाँ हाँ, मैं सब हाँ, इसी एग्जांपल से एक्चुअली कि रामानुजाचार्य को जो मंत्र मिला था उन्होंने सब में बांट दिया, तो उन्होंने क्यों बांटा? सबका उद्धार चाहते थे, सब भगवान के। तो एक्चुअली भक्त दूसरे
भगवान को सबसे ज्यादा पसंद कैसे करता है, हम भगवान की सेवा तो करते ही हैं, जैसे छप्पन भोग लगाना, भगवान की सेवा करना, मंगल आरती गाना, पर उत्तम भक्त क्या है, सर्वभूतेषु यह पश्चित भगवत भावम आत्मा। तो भगवान का भाव क्या है कि सभी जीवात्माओं को भगवान से कनेक्ट, सभी जीवात्माओं को भगवान से कनेक्ट करना, मतलब अपने से भी कनेक्ट नहीं करना। तो रामानुजाचार्य ने सभी जीवात्माओं को मंत्र क्यों, मतलब सबको मंत्र क्यों बांटा, क्योंकि वो सभी जीवात्माओं को सीधा भगवान से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्न करने का तरीका यही है कि हम हर व्यक्ति को, जब हम कहते हैं कि उसको आदर हम दें, सभी भक्तों को हम भक्तों का गुणगान करें, भक्तों को रिस्पेक्ट दें, तो रिस्पेक्ट वही है कि केवल उसको सेवा ना दें, उसको भगवान से कनेक्ट। अब मतलब हम क्योंकि संसार में हम व्यक्ति को अपने से कई बार कनेक्ट कर लेते हैं, पर उसको उसको फ्री बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर फ्रीडम, कि वो अपने आप ही, वो ऐसा नहीं कि हम यहां बैठे तो वो आए, अगर हम हैं या नहीं है, हमारी ट्रेनिंग ये है कि हमें आना ही है, हमें उसको भगवान से कनेक्ट करना, क्योंकि कल हम नहीं होंगे, कल कोई और होगा यहाँ पर। तो इसलिए व्यक्ति को अपने से कनेक्ट नहीं करना, हमें उसको भगवान से कनेक्ट करना, इसलिए हम उसको सेवा कि वो सेवा किसे करे, भगवान की सेवा करके भगवान से अटैच करें, तभी मृत्यु के समय कौन याद आएगा, भगवान याद आएगा। तो बस भगवान की, भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम, हम ये सब तो हमारी साधना है, इस साधना से हम भगवान का गुणगान करते हैं, और वास्तव में भगवान का गुणगान है आम जीव को भगवान का, हाँ, कि वास्तव में हमारी ये कर्म भूमि, तो हमारी कर्म भूमि है कि जितने जीवात्माओं को हम भगवान से जोड़ सकें, बस वो है। तो चींटियों का एग्जाम्पल मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, एक चींटी देखा है, चींटी का जीवन क्या होता है, चींटी को कुछ नहीं सोचना, चींटी सिर्फ लाइन में चलती रहती है, वो अपने लिए नहीं जीती, ऐसा नहीं है कि वो चींटी खुद कह रही है कि मैं सबसे मेन चींटी बन गया, मैं रानी चींटी बन गया, नहीं, वो केवल अपना अपना काम करती रहती है। बस इसी तरीके से श्रील प्रभुपाद ने बोला कि मैं सिर्फ एक पोस्टमैन हूं, श्रील प्रभुपाद आए अपना काम करके चले गए। इसी तरीके से एक भक्त को पता है कि वो भगवान का कि एक्चुअली वो भी इम्पोर्टेंट है, हर वस्तु को तो हम भगवान से कनेक्ट करते ही हैं, हर जीवात्मा को भी हम भगवान से कनेक्ट करते हैं। तो ये एक चींटी के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार चींटी की अपने लिए कोई इच्छा नहीं होती, वो एक मिशन में लगी हुई है और वो पूरा जीवन अपना मिशन में लगी रहती है, बस उसी तरीके से लाइन में चलती रहती, बस हमें लाइन में चलते रहना, जिस तरह वो आता है ना कि क्या श्लोक है वो, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जिस प्रकार पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस मार्ग को अपनाया, बस उसी तरह हमें इस मार्ग को चलते रहना, और चलते रहेंगे तो फिर हम भगवान का वास्तव में गुणगान कर रहे हैं, हर वस्तु को, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद को भी हम भगवान से गिने, क्योंकि वो पानी नलके में जो पानी आ रहा है, वो पानी भी भगवान का नजर आना चाहिए, है ना। कोई वस्तु, अगर कोई भी आपको चीज नजर आ रही तो उस वस्तु को हम भगवान से जोड़ें, कोई भी अगर जीवात्मा नजर आती है तो उसको भी हम भगवान से जोड़ कर ही देखते हैं। सर्वभूतेषु यह पश्चेत, सभी प्राणी में भगवान का अंश देखना और उस अंश को उसके सोर्स से जोड़ना, बस यह वही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय।